हेलो दोस्तों, आप सबका एक नई वीडियो में स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हो, आज हमारे पास ये स्प्लेंडर प्लस बाइक है और इसमें हाफ इंजन का काम हो रहा है। इसका है ये पिस्टन और हेड और इसमें टाइमिंग चैन वगैरह का काम हो रहा है। तो मैं आज आपको बताऊंगा, देखिए इसमें पिस्टन जो निकली है ये स्टैंडर्ड नंबर है और इसमें रख दो उसको। और इसमें फ़िलहाल ये मैं ऊषा का यूज करूँगा, इसमें जो पिस्टन यूज करूँगा ऊषा का, क्योंकि ऊषा का रिजल्ट भी अच्छा रहता है। तो मैं आज आपको ये सिलेंडर किट इसमें यहाँ पे कैसे फिट करते हैं और पिस्टन में रिंग फिट कैसे करते हैं और सही तरीका क्या है रिंग फिट करने का, जिससे कि बाइक में स्मोकिंग की समस्या ना आए काफ़ी टाइम तक, तो उसके बारे में आज बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए मैं इसमें होंडा का यूज कर रहा हूँ, शायद आपको दिख रहा हो ये ब्लर हो रहा है थोड़ा सा। देखिए GN5 लिखा हुआ है यहाँ पे और ये 25 नंबर है, जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें पहले स्टैंडर्ड नंबर था। तो चलिए सबसे पहले हम रिंग चेक करेंगे। देखिए ये हमारे पास इसके रिंग हैं, इस तरीके से सिलेंडर किट में रिंग डालेंगे और फिर पिस्टन लगा के थोड़ा सा और ऐसे चेक करेंगे। तो शायद आपको दिख रहा हो इतना गैप अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, जैसा कि आपको गैप दिख रहा है इसमें। तो इसी तरीके से हम सभी रिंग चेक कर लेंगे। ये एक्सपेंडर रिंग है, स्पेशल रिंग भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल ये ऑयल रिंग, इसमें भी इतना ही गैप है। ठीक है जी, ऑयल रिंग हमने चेक कर लिए। ये जो नीचे वाले नीचे लगते हैं, ये जो मैंने चेक किए, इनको ऑयल रिंग बोलते हैं और इनको कंप्रेशर रिंग बोलते हैं। ठीक है, इन पे लिखा आता है, ये ब्लैक वाली जो है टॉप टू लिखा रहता है, यानी टॉप से टू नंबर पे, यहाँ से टॉप से टू नंबर पे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लगेगा ये। और ये जो टॉप का इस पर टॉप लिखा हुआ है, इस पर टॉप टू ये ऊपर रहेगा इस तरीके से। ठीक है, और ये टॉप वन है, ये सिल्वर कलर की है और इस पर टॉप वन लिखा हुआ है, टॉप वन भी ऊपर रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम इनको भी चेक कर लेते हैं। ऑयल रिंग हमने चेक कर लिए, देखिए यानी इसमें भी गैप नहीं है, जैसा कि आप देखिए अच्छा रिजल्ट मेरे हिसाब से आएगा इसका। और इसको भी चेक कर लेते हैं, ये टॉप टू है, देखिए आप इसमें भी शायद आपको गैप नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे है गैप। ठीक है जी, इस तरीके से रिंग चेक करते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इन रिंगों को पिस्टन में सेट कैसे करेंगे। मैंने आपको रिंग चेक करना बता दिया और जितना गैप रहता है उतना ही बता दिया। तो सबसे पहले हम एक लॉक लगाते हैं, ये पिस्टन इस तरीके से रहेगा, ये इंजो लिखा हुआ है, ये इनलेट वाल्व की तरफ रहेगा। ठीक है, यानी कार्बोरेटर की तरफ ऐसे इस तरीके से। ठीक है जी, और चलिए अब मैंने एक लॉक इसमें लगा दिया है उस साइड, यानी गाड़ी के राइट साइड लगा दिया है, वो लेफ्ट साइड बाद में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ये स्पेशल रिंग लगाते हैं, इसको स्पेशल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये यहाँ पे जो नीचे दो रिंग लगते हैं उनमें स्पेस पैदा करता है, इसलिए इसको स्पेशल बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे एम बनना चाहिए इस तरीके से, जैसा कि हम इनको मिला रहे हैं तो एम बन रहा है। ठीक है, देखिए और इस तरीके से करेंगे तो डब्लू बनेगा, देखो ये डब्लू बनना है ना, तो डब्लू नहीं बनना चाहिए, एम बनना चाहिए। ठीक है जी, ये इस तरीके से, सॉरी ये ब्लर हो रहा है इस तरीके से। ठीक है जी, तो चलिए हम इसको लगाते हैं। अब देखिए इसका जो स्पेस है वो मैंने कहाँ रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे रखा है ये रहा। ठीक है जी, और अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो मैं आपको बता दूँ, मैंने यहाँ पे रखा है इसको यहाँ पे, आप इस साइड भी रख सकते हैं, बस ये जो गजन पिन लगती है इसके सामने नहीं रहना चाहिए,
इसके मिड में रहना चाहिए यानी बीच में रहना चाहिए बिल्कुल। आप चाहे तो इसको इधर ही रख सकते थे यहाँ पे, लेकिन मैंने यहाँ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है इसका स्पेस, ठीक है जी। देखिए ये रहा जहाँ पे निशान लगा हुआ है। चलिए हम अगले रिंगों की बात करते हैं, इसको हम लगाते हैं। आपको एक बात और बताऊँगा, इनमें देखिए ढाल रहता है, जैसे आपने देखा हो क्लच नट के जो वाशर होते हैं उनमें ढाल रहता है, तो इनमें भी ढाल होता है। तो इस तरीके से हम उस ढाल को चेक करते हैं इस तरीके से। देखिए इधर ये मुड़ रहा है, देखिए, तो हम इसको ऊपर रखेंगे इस तरीके से और हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। जैसे GN5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा सब कुछ कि मैंने गैप कहाँ पे रखा हुआ है इनका, ठीक है। एक यहाँ पे चला गया और दूसरा आएगा यहाँ पे। आप देखिए उसको तो मैंने लगा दिया, आप इस तरीके से इसको भी चेक कर लें। अब जैसे ये नीचे की तरफ मुड़ रहा है तो इसको हम ऐसे लगाएंगे, ये उधर ही मुड़ता है, इधर इसका ढाल रहता है, ठीक है, इधर इसका ढाल रहता है, ये उधर ही मुड़ता है। तो अगर हम इसको ऐसा लगा देंगे और इसका ढाल है तो ऑयल ऊपर जाने लगेगा धीरे धीरे और फिर इसको स्मोकिंग की समस्या आएगी। तो हम इसको ऐसा लगाएंगे ताकि ऑयल जो है वो नीचे ही रहे, अगर थोड़ा बहुत ऑयल यहाँ पे आएगा तो ये नीचे ही रहेगा, पिस्टन के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है जी। और फिर ऐसे घुमा के यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। और ये जो ब्लैक रिंग होती है ये वाली, इसमें जो ये जो टॉक 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, शायद आपको दिख रहा हो, देखिए ये टॉक 2 लिखा हुआ है, ये ऊपर आना चाहिए, ठीक है जी। चलिए हम इसको भी लगा देते हैं यहाँ पे, इसको इस तरीके से लगाएंगे और एक फिंगर यहाँ पे लेके इस तरीके से और इसको चौड़ा करते हुए यहाँ पे इसको सेकंड नंबर पे लाके छोड़ देंगे, ठीक है। जैसा कि हमने लगा दिया सेकंड नंबर पर, इनका गैप भी मैं आपको अच्छी तरह बता दूंगा कि गैप कहाँ पर रहेगा। और इसमें भी टॉप 1 लिखा रहता है, उसको भी हम ऊपर ही रखेंगे। देखिए यहाँ पे इसमें टॉप 1 लिखा हुआ है यहाँ पे रहा, देखिए इसको यहाँ पे रखेंगे और ऐसे करके यहाँ पे एक हिस्सा इसका लगा दिया और इस तरीके से करके ये आ गया, ठीक है। देखिए एक्सपेंडर रिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे रखें उसको मिड में रखें पिस्टन के। देखिए आप यहाँ पे रख सकते थे और यहाँ पे भी रख सकते थे, तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है उसका गैप, ठीक है जी। अब बात करते हैं, ये मैं आपको इसी तरीके से समझाऊँगा, ये होगा टॉप 1, ये होगा टॉप 2, ये होगा टॉप 3 और सबसे नीचे होगा टॉप 4। एक्सपेंडर रिंग की बात अब हम नहीं करेंगे, तो सबसे पहले हम टॉप 1 की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ इनकी तरफ रहेगा ये रहा यहाँ पे, ठीक है, ये रहा। और फिर इसके सामने ऐसे ही ये क्रॉस का निशान बन जाएगा, ये रहा यहाँ पे, शायद आपको दिख रहा हो, देखिए ये रहा इसका गैप है, ये यहाँ पे रखा है, ये हो गया टॉप 2, ठीक है जी, इस तरीके से। फिर हम चलते हैं टॉप 3 की तरफ, ये इनलेट वाले पे आएगा टॉप 1, टॉप 2 इधर आएगा इसके सामने इस तरीके से क्रॉस करके, ठीक है जी। फिर हम चलते हैं इनके इस साइड, देखिए यहाँ पे है ये इसका गैप टॉप 3 का, तो उसको हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया टॉप 3। अब चलते हैं टॉप 4 की तरफ, तो ये रहा, ठीक है जी, शायद आपको दिख रहा हो। चलिए अगर आप यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है तो आपको मैं समझा रहा हूँ, और टॉप 4 आ गया यहाँ पे, ये क्रॉस का निशान बन गया, ठीक है जी, इस तरीके से टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4, ठीक है जी। तो इस तरीके से इनका गैप रखा जाता है, बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग है। मैं अब इसको पेट्रोल से वॉश कर लेता हूँ और फिर एयर से इसको साफ़ करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद ऑयल वगैरह लगा के तब इसको सिलेंडर किट में लगाएंगे। सिलेंडर किट में चारों साइड ऑयल लगा देंगे,
फिर ऐसे उसको पूरी सिलेंडर किट में लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है जी। और पिस्टन पर भी हम ऑयल लगा लेते हैं ताकि इसको फिटिंग करने में दिक्कत ना हो। सभी जगह ऑयल लगा लें अच्छी तरीके से, क्योंकि जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ऑयल थोड़ी देर बाद ऊपर पहुंचता है, तब तक वहां पर ये जो लुब्रिकेंट लगा रहे हैं ये भी काम करेगा। फिर इस तरीके से पिस्टन को रखेंगे और धीरे धीरे इसको नीचे प्रेस करते जाएंगे और जो रिंग का जो सिरा होता है, गैप होता है, उसको दबाएंगे इस तरीके से। देखिए हल्का हल्का सा प्रेस करना है अंदर की तरफ। और देखिए आसानी से इसमें लग जाएगा सिलेंडर किट में, ठीक है जी। केवल एक ब्लेड की मदद से ये इसमें लग गया है, देखिए ये इन लिखा हुआ ऊपर की साइड है और GN5 जो लिखा है वो नीचे की तरफ है। आप इनका ध्यान रखिए, इन ऊपर आना चाहिए। चलिए अब इसको इंजन में फिटिंग करने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम पिस्टन को थोड़ा सा नीचे लेंगे ताकि गजन पिन इसमें आसानी से लगाई जाए। धीरे धीरे स्क्रू ड्राइवर से इसको बाहर लेंगे हल्का हल्का सा। ठीक है, अब गजन पिन पर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसको पिस्टन में लगा देंगे। देखिए थोड़ा सा इसको बैक करेंगे, बस इतना ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे दो डॉक लगा दिए हैं और पैकिंग लगा दिया है और यहाँ पर ओ रिंग भी लगा दिया है, रबड़ रिंग, ठीक है जी। और क्रैक रोड सामने लाएंगे, आप चाहे तो दूसरे बंदे की हेल्प ले सकते हैं दूसरी साइड से, और क्रैक को सामने ला के धीरे धीरे गजन पिन को अंदर की तरफ पुश करेंगे। एक लॉक हमने इसमें पिस्टन में पहले ही लगा लिया था और एक लॉक अब लगाएंगे। देखिए यहाँ से इसको पहले अंदर ले ले एक साइड और फिर यहाँ से पंचकश को घुमा के ये बैठ जाएगा, ठीक है जी। और फिर इसको अंदर की तरफ हल्का सा पुश करें और ये हो गया। अब इसको अच्छी तरह चेक कर लें कि ये लग गया है नहीं, और फिर दो फिंगर पिस्टन के पीछे लगा के सिलेंडर किट को ऊपर नीचे हिलाएं हल्का हल्का सा इस तरीके से, और फिर अंदर की तरफ पुश कर दें। देखिए आसानी से लग गया है, ठीक है जी। और फिर इसको इंजन में फिट कर दें। तो इस तरीके से मैंने आपको सभी कुछ बता दिया है कि रिंग कैसे सेट करें और गैप कहाँ पे रखें और पिस्टन को सिलेंडर किट में कैसे लगाएं और सिलेंडर किट को इंजन में कैसे फिट करें। अब हम इसके साइड बोल्ट वगैरह लगा देंगे। इस तरीके से आप भी सिलेंडर किट फिट कर सकते हैं, इसका बेस्ट रिजल्ट आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है जी। ये देखिए